The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, let's talk about this ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. भाई क्या होता है ये हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर भाई कई लोगों को आपने हाइपर होते हुए देखा होगा खासकर टिकटॉक पे और आपके दिमाग में बात आती होगी कि भैया ये क्या है इस इंसान की तबीयत ठीक है इसका दिमाग हिल तो नहीं गया तो उनको हो सकता है उनको भी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर हो मगर ये थोड़ी बीमारी समझ लेते हैं पहले फिर वो जॉक अपार्ट जोक सपार्ट काइंड ऑफ थिंग हो गया दो ओके आ, एडीएचडी यानी एक प्रॉब्लम है जो कि उसमें क्या होता है एक इंसान ये मानसिक तरीके की बीमारी मानसिक बीमारी इसमें एक इंसान जो है आ, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होता है और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता या तो इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होती है ये और ये है वो और वो है ऐसा है सो so इसको एच डी बोलते हैं ये बचपन में ही शुरू हो जाता है और एडल्ट ईयर्स तक कंटिन्यू रह सकता है और बॉयज़ में ज़्यादा होता है गर्ल्स में थोड़ा कम होता है ये नहीं पता बोल सकते कि इसका क्या एक ही सिंगल कारण है या वही कारण है कि यही कारण है बट एच डी एच डी जेनेटिकली लिंक्ड होता है और आपके घर के और आपके स्कूल कॉलेज सोशल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है सो जेनेटिक लिंक मतलब आपके फैमिली में किसी को है तो आपको होने का डर है आपको बच्चे को होने का डर है <coughs> घर में इन्वायरमेंट ऐसा है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा हस्बैंड बिजी वाइफ बिजी कोई बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा तब भी दिक्कत है सोशल लाइफ में अगर बच्चे को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही वो कोई यू you नो know, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो भी डर है सो अटेंशन डेफिसिट हो हो के हो हो के हो हो के जब उसको बच्चे को अटेंशन नहीं मिलती तो ब्रेन कैन रिस्पॉन्ड लाइक दैट राइट अब बच्चों का ब्रेन या बड़ों का ब्रेन जो ए वाला होता है दे आर लिटल डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर बच्चे ठीक है ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं ठीक है अब इसमें क्या सिम्टम होते हैं एडीएचडी में लाइक like मैंने कहा इनअटेमटिवनेस नॉट एबल टू फोकस हाइपर एक्टिविटी एक्सट्रीमली एक्टिवनेस होगा बीइंग एक्सट्रीमली एक्टिव ये बी कॉम वो भी कॉम धोट 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 नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर बिहेवियर इंपल्सिवनेस ये तीन चीजें होती हैं सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लोगों में जो मेन सिम्टम होते हैं बस इनअेंटिवनेस होता है वो ध्यान नहीं दे पाते पढ़ाई नहीं कर पाते पास नहीं होते अच्छे से अच्छे नंबर नहीं आते कुछ लोगों में हाइपर एक्टिविटी ज्यादा होती है और इंपल्सिवनेस ज्यादा होती है कईयों में कॉम्बिनेशन होता है अब क्या मतलब इसका अटेंटिवनेस प्रॉब्लम मतलब आप केयरलेस मिस्टेक करने लग जाएंगे बच्चे केयरलेस मिस्टेक कर लें स्कूल में स्कूल वर्क में होमवर्क में जो नहीं करनी चाहिए जो पता है कि थोड़ा सा ध्यान देके करेगा तो नहीं करेगा राइट कोई टास्क है दिन का उसमें सही से ध्यान नहीं देना जो आप बोल रहे हैं उसको सही से सुनना नहीं डजन फॉलो योर इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली राइट अपने खुद के टास्क ऑर्गेनाइजेशन के सही से ना करने आ, आराम से डिस्ट्रैक्ट हो जाना बहुत फगेटफुलनेस होना कोई कोई चीज घुमा देनी कुछ भी टॉयज होमवर्क कुछ भी घूम जाना ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाइपर एक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिला फिजिटीनेस कुछ ना कुछ हो रहा है सीट एकदम से छोड़ दें जब वहाँ बैठे होना चाहिए रनज अराउंड ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं बैठ के बात नहीं सुन रहे हैं राइट हाइपर एक्टिवनेस हमेशा बात करते रह रहे हैं टॉक्स ऑन द टाइम ऑल द टाइम बात करते रह रहे हैं राइट इस तरह के आराम से खेलने में आराम से काम करने में आराम से चीज करने में बहुत मुश्किल होती है राइट ऐसा लगता है जैसे उन मोटर लगी हुई है उनमें <laughs> ऐसा इंपल्सिविटी मतलब बस्ट हो जाता है बस्ट आउट एकदम से बस्ट आउट हो जाए आंसर दे दे बिना आपके क्वेश्चन कंप्लीट करें राइट आंसर दे दिया एकदम से उनकी बारी आने के वेट ना करें कि मेरी बारी आएगी नहीं नहीं मेरा पहला मेरा पहला मेरा पहला बचपन में खेलने कूद में या किसी भी चीज़ में और <coughs> मान लीजिए किसी और को बार बार इंटरप्ट करना जैसे अपनी बात रखने के लिए बड़े होने के बाद होता ना लोगों का बात रखने के लिए वो चीज़ सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग आपको दिखेगी ए डी एच डी पेशेंट में ए डी एच डी के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा जब चाइल्ड सस्पेक्टेड होता है ऐसे में उनका एग्जामिनेशन होता है डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल मेंटल हेल्थ का पूरा एग्जामिनेशन उसमें आपके मूड एनजाइटी और कोई चीज़ कोई उल्टी सीधी चीज़ तो नहीं खा पी रहे सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं हो रहा वो देखना जरूरी हो जाता है और इट ऑल्सो एज टिक डिजॉर्डर नाम की भी चीज़ होती है उसको भी रूल आउट करना होता है डॉक्टर करता है याद रखिए इसका ट्रीटमेंट जो है दर इज़ अ पार्टनरशिप हेयर आपके डॉक्टर और आपके खुद के पेशेंट और उनके घर वाले ये पूरा सोशल इन्वायरमेंट का ट्रीटमेंट होता है कल बंदे से कोई पॉसिबल नहीं है डॉक्टर कर देगा दवाई दे देगा ऐसा नहीं होता ठीक है फॉर द ट्रीटमेंट टू वर्क आपको एक गोल्स बनाने होंगे जो पेशेंट एक्सेप्ट करे जो पेशेंट के लिए प्रैक्टिकल हो राइट right? और मेडिसिन और टॉक थेरेपी ये दो ऑप्शन होते हैं राइट काउंसिलिंग काउंसिलिंग टॉक थेरेपी और मेडिसिन ये दोनों साथ में चलते हैं एक गोल बनाया जाता है वो काउंसलिंग में और फिर देखा जाता है आप कैसे उस गोल को प्राप्त करें उसको हासिल करें फॉलो अप बहुत जरूरी होता है रेगुलर गोल्स हो रहे नहीं हो रहे नहीं हो रहे तो गोल्स कम किया जाए हो रहे तो गोल्स बढ़ाए जाए इस तरह धीरे 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 डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिसिन कम करके ऐसे होता है ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट द्वारा अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा और पक्की बात है कि ये सब नहीं चल रहा तो फिर हैवी मेडिसिन भी दी जा सकती है मेडिसिन विद बिहेवियरल थेरेपी अच्छे से काम करता है बहुत अच्छे से काम करता है ऐसे में कई बार साइको स्टिमुलेंट्स मेडिसिन होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं साइको स्टिमुलेंट्स आर स्टिमुलेंट्स राइट ऐसे में क्या होता है वो स्टिमुलेंट्स हैं कॉल्ड दे आर कॉल्ड स्टिमुलेंट बट ए डी एच डी के पेशेंट्स में वो कामिंग इफेक्ट होता है उनको शांत करते हैं उसमें डॉक्टर्स आपको वो दवाइयां देंगे उसमें आप बाहर से खुद से लेने की सोचिए भी मत बिल्कुल भी नहीं अलग अलग पेशेंट के अलग अलग स्टेज में अलग अलग दवा की ज़रूरत पड़ती है कई बार सेम दवाई लंबे समय भी चल सकती है इसका मतलब ये नहीं आप ये समझे कि हर एक पेशेंट को सेम ही दवा चलती है बिल्कुल नहीं ए डी एच डी मेडिसिन के काफ़ी अच्छे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आपको साइड इफेक्ट्स हैं तो डॉक्टर को बताएं वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको चेंज करेंगे अगर नेसेसरी है बहुत कॉमन है थेरेपी बिहेवियरल थेरेपी जो सबसे अच्छी काम करती है इसमें इसमें आपके डिसरप्टिव बिहेवियर आपके जो बिना दवा के आपसे बातचीत करके आपको टास्क दे के आपको होमवर्क दे के जो चीज़ आप कर पाएँ उससे आपका ए ठीक करने की कोशिश हो जाती है आपको रेगुलरली बात करनी पड़ती है जो आ, अगर आप के बच्चे हैं जो या किसी को ए है तो उनसे रेगुलर बात करें राइट और उनके टीचर से रेगुलर बात करें उनके डॉक्टर से रेगुलर बात रेगुलर शेड्यूल बनाए रेगुलर टाइम बनाए होमवर्क का खाने का एक्टिविटी का उनका थोड़ा सा और no, डिसिप्लिन जरूरी है डिसिप्लिन रखें शेड्यूल करें राइट डिस्ट्रैक्शन मिनिमम करें उनके इन्वायरमेंट में कि यहाँ टी वी पढ़ाए यहाँ ये है वहाँ वो पड़ा है वो पड़ा है या रेडियो डिस्ट्रेक्शन मिनिमम कर दें राइट right? <coughs> बच्चे को हेल्दी रखना सबसे ज़रूरी है अच्छी डाइट ज़रूरी है खूब सारा पानी जरूरी है बेसिक न्यूट्रीशन जरूरी है अच्छी नींद बहुत जरूरी है स्लीप बहुत जरूरी है और बच्चे को क्या है या बड़ों को भी एनकरेजमेंट uh, चाहिए प्रेज चाहिए उनको शाबाशी दो जी हाँ बिल्कुल शाबाशी दो रिवॉर्ड देयर गुड बिहेवियर छोटा भी हो तो इट्स एर इंपॉर्टेंट टास्क टू बी डन प्रोवाइड और जो भी रूल्स आप देते हो छोटे छोटे रूल्स दो क्लियर कट रूल्स दो क्लियर कंसिस्टेंट रूल्स दो यानी कि आज फॉलो है कल फॉलो नहीं कल फॉलो परसों फॉलो नहीं नहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट विथ द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं राइट right? <coughs> ऑल्टरनेट थेरेपीज भी आती हैं जैसे कुछ हर्ब्स हैं कुछ सप्लीमेंट्स हैं कुछ कायरप्रैक्टिक टेक्निक्स हैं और दो उसका कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है मगर वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं कि भाई वो काम करें क्या ना करें ठीक है जैसे अश्वगंधा है जैसे ओमेगा थ्री है जैसे कोएंजाइम क्यू है जैसे ऐसे विटामिन डी और ऐसे मल्टीविटाम के सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों को दिए जा सकते हैं इसके अलावा आपको डॉक्टर्स बता देंगे कि सपोर्ट ग्रुप भी है इनके जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मेक श्योर sure करते हैं कि आपको ये ना लगे आप अकेले हो पेरेंट्स को ये ना लगे हम ही अकेले हैं बच्चों को ये ना लगे हमें अकेले हैं और भी बच्चे और भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और इसके साथ आप जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा होता है राइट right? आपके लिए आगे चल के याद रखिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए कोई मिसयूज़ ड्रग्स अल्कोहल का मिसयूज़ हो जाना ज़्यादा कॉमन होता है एडीएचडी के पेशेंट्स में तो इस बात का ध्यान आपको भी रखना है आपके घर वालों को भी रखना है राइट right? स्कूल में कॉलेज में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपकी स्किल लेवल्स आपको बढ़ाया जाए और ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कई बार लॉ के साथ प्रॉब्लम आ जाती है कई बार आप जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है याद रखिए वन थर्ड टू वन हाफ ऑफ चिल्ड्रन विद ए जी एस डी विल हैव प्रॉब्लम्स वन थर्ड से लेके वन हाफ आधे से एक तिहाई बच्चों को इनअटेंटिनेस रहेगा या फिर हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी वाला रहेगा बड़े होने तक भी यानी एक तिहाई से आधे बच्चे बड़े होते भी ये कंटिन्यू रहेंगे ऐसे सिम्टम रहेंगे लेकिन मतलब क्या हुआ आधे और आधे से ज़्यादा बच्चे ऊपर बड़े होते होते ठीक हो जाएंगे कैसे बिहेवियरल थेरेपी में और दूसरी चीज़ें में एडल्ट्स जो हैं वो इसको मास्क भी कर पाते हैं छुपा भी पाते हैं तो आपको हो सकता है देख के पता ना चले दे माइट हैव दैट मास्किंग इफेक्ट बट देन इंटरनली दे हैव दैट एक्साइटेबिलिटी सो दिस इज ऑल अबाउट इट याद रखिए इसमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करते रहिए आपको बच्चों के ऊपर डिप्रेशन आने के भी चांसेस होते हैं सो so इस चीज़ के लिए आपको हमेशा डॉक्टर से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए ओके तो ये हुई बात सारी एडी की आई होप आपको फायदेमंद लगी हो लगी है तो शेयर करिए लोगों के पास पहुँचे जिनको जरूरत है उसकी उनका फ़ायदा थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी